was very inspiring indeed. Face of a person, the physical, mental, emotional, social and spiritual levels. You are right. Yoga is actually a form of discipline. We now present our dear girls who will display their amazing flexibility through the postures of yoga. I'm
वंशी हैं सारी दुनिया को जीत रहे हैं हम वो भारतवंशी हैं हम टाटा बिरला की पूंजी लक्ष्मी मित्तल अंबानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं संभव दशम और महावीर नानक की पूजा करते हैं शिरडी वाले साईं बाबा हम सबकी झोली भरते हैं सिद्धि विनायक तिरुपति संकट मोचन भोग लगाते हैं हम वीर अली ख्वाजा बाबा में भी मान जलाते हैं हम रामचरित मानस भारत में 24 घंटे गाते हैं काशी मथुरा वैष्णो देवी से अमरनाथ तक जाते हैं हमको गुरुद्वारा दिख जाए तो मत्था टिक जाता है गिरजाधर की घंटी का स्वर मन प्राणों को महकाता है हम शांति कुंज हम शक्ति कुंज हम शांति निकेतन वाले हैं हम भारत के सारे धर्मों के पंथों के रखवाले हैं हम आर्य पुत्र माँ के सुपुत्र संगम तीरथ का पानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हमारा मस्तक है सागर ने चरण पखारे हैं आस्था हमारी मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारे हैं हम गणपति का वंदन करके हर काम सफल कर देते हैं हम अंगूठा गुरुदेव के चरणों में कर देते हैं हम शब्द ब्रह्म वाले सर्वे भवन्तु सुखिना को गाते हैं सर्वन कुमार बन मात पिता की कावड़ लेकर जाते हैं हम सत्य हिंसा से मानवता को महकाने वाले हैं हम त्याग तपस्या से धरती को स्वर्ग बनाने वाले हैं रुद्राक्ष गाय गंगा गीता गायत्री पूजा करते हैं कदमों में अम्बर रखते हैं चुल्लू में सागर भरते हैं की वेद पुराणों के ज्ञानी विज्ञानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है कबीरा की साकी जैसे खुशबो की अमर रुबाई है हम मीरो गालिब की गजले रस खान चंद बरदाई है हम सूरदास तुलसी मीरा हम दिनकर पंत निराला है भूषण केशव मति राम जायसी बच्चन की मधुशाला है प्रेमचंद गोदान लिखा माधव का गीता ज्ञान लिखा बन रामचरित मानस हमने मानवता का वरदान लिखा जब भक्त बड़ा अनुबंध बने महके मन से मकरंद बने हम विद्यापति की पदावली रस अलंकार और छंद बने भूषोजन में टैगोर बने भक्ति रस का आनंद बने एकात्म जगा अध्यात्म जगा कर हमी विवेकानंद बने हम इस कलयुग के तीर्थ है साधु संतों की वाणी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है बाहर है नीम खड़ी आंगन में तुलसी माता है हम सात कर्म वाले पुरखों से भी जन्मों का नाता है बरगद की पूजा होती है हम पीपल को जल देते हैं हम दरवाजे आए फकीर को भी मीठे फल देते हैं अपनी माताएं बहने सर पर पल्लू रखकर चलती है पड़े तो जौहर में लाखों पद्मिनियां जलती है हम जन्म जहाँ ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन कहते हैं हम घर पर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं हम बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर वंदन करते हैं हम चार धाम के पुण्य और ऋषि मुनियों के वरदानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है तुम वीर शिवा के वंशज है राणा की चौड़ी छाती है हम टीपू की तलवारे हैं तात्या टोपे के नाती है हम बल्ला बैरागी हाड़ी रानी की कथा सुनाते हैं हम रंग बसंती वाला चोला श्याम सवेरे गाते हैं देश की नारी भी पुरुषों से आगे कदम बढ़ाती है लक्ष्मी बाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है मंगल पांडे तनहा सेना में क्रांति शुरू कर देता है उधम सिंह लंदन जाकर टायर से बदला ले लेता है सावरकर काले पानी पर एक नई कथा लिख जाते हैं अब्दुल हमीद पेंटागन दोनों के आगे बिछ जाते हैं हम युद्ध भूमि के पौष है कतरा कतरा सेनानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे संकट आते हैं तो शिव शंकर तांडव करते हैं बजता है पंचजन्य अर्जुन लेकर गांधी वो उतरते हैं चोट
चारण के बाद लेते प्रत्यन चारा वो चढ़ाते हैं देवता खड़े होकर क्रोधित हो हर हर गंगे गाते हैं धरती को थामे शेष नाग की करवट लेने लगते हैं यमराज मृत्यु का वाहन लेकर आगे बढ़ने लगते हैं बूटी लाने वाले हनुमत का पौरुष जगने लगता है सागर गर्जन करता धरती का धीरज बिगड़ने लगता है कलकत्ते वाली काली माँ भी रणचंडी बन जाती है पल भर में दुश्मन के नरमुंडों की मंडी बन जाती है हम भूगोलों के रक्षक हैं इतिहासों के वरदानी है दुनिया में सबसे 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 अच्छे उसी का खोज करते हैं आवाज लगा कर कहते हैं तो गीता रामायण पुराणों पर कहते हैं जो चली आ रही सदियों से हमको हमको लगानी है दुनिया में सबसे 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 अच्छे हिंदुस्तानी है दुनिया में सबसे 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 अच्छे आज नारी ने हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है नारी शक्ति का अगाध भंडार है आवश्यकता है उसे पहचानने की जागृत करने की तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कक्षा नौवीं की छात्रा श्लोका भारती का जो नारी पर आधारित कविता लेकर प्रस्तुत है अतिथिगण महोदय प्रधानाचार्य महोदय एक मेरे प्रिय सहपाठियों मैं श्लोका आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं स्त्री हूँ मैं स्त्री हूँ मैं स्त्री हूँ मैं नारी हूँ मैं कली हूँ मैं फुलवारी हूँ मैं बेटी हूँ मैं माता हूँ मैं बलिदानों की गाथा हूँ मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ मैं द्रौपदी हूँ मैं सीता हूँ मैं द्रौपदी हूँ मैं सीता हूँ पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखाई कभी जुए में हार गए कभी अग्नि परीक्षा दिल पाई कभी जुए में हार गई कभी अग्नि परीक्षा दिल पाई कलयुग हो या सतयुग हो इल्जाम मुझे पर आता है क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर मेरा चेहरे से मन घबराता है मेरी मुट्ठी बन जाती है दिल की धड़कन बढ़ जाती है हर तरफ पसीना माथे पर दिल में मेरे घबराहट है जाने वो किसका साया है जाने वो किसकी आहट है जाने वो किसका साया है जाने वो किसकी आहट है अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया एक ने मुंह पर हाथ रखा तो एक ने आंचल खींच लिया नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला मारा है मुझको पीटा है बालों से मुझे घसीटा है फिर परवरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया और घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया सन्नाटों में चीख रही थी खून से लथपथ हो गई कोई मदद करो कोई मदद करो कोई मदद करो चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई जब होश में आई तो इस समाज वालों की बातें सुनकर टूट गई परिवार वालों की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते हैं ये नए उम्र के लड़के हैं पूरा तो बहक ही जाते हैं भूल जाओ जो हुआ लड़के तो बच ही जाएंगे तुम लड़की हो दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे क्यों नहीं था कोई साथ में क्यों निकली अकेली रात में क्या मेकअप था क्या गहने थे क्या छोटे कपड़े पहने थे इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है भूल जाओ कहने वालों क्या शर्म तुम्हें नहीं आती है भूल जाओ कहने वालों क्या शर्म तुम्हें नहीं आती है और ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है कल सड़क पर बेइज्जत बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है जब सजा मौत की लागू हो सुनाना चाहूंगी ओ स्त्री चल दबंग हो जा वो
खींचे तुझे नीचे तू और उड़ती पतंग हो जा, ओ स्त्री चल दबंग हो जा। It's time for some more music. Here's the talented bunch of our students with acoustic guitar recital. जितवा सकता है लकी ड्रॉ, सो आप लोग प्लीज अपना वो कार्ड संभाल के रखें। लास्ट में हम लोग यहाँ पे बम्पर प्राइस अनाउंस करेंगे, किन्हीं तीन लकी विनर्स को मिलेगा हमारा बम्पर प्राइस। और ये प्राइस हमारे टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए भी है। सो काफी शांति है वैसे क्राउड में। बॉलविन के बच्चे क्या हो गया आज सबको, एक बार जरा बता दो यार, है कोई यहाँ पे? बॉलविन क्या हो गया? काफी शांति लग रही है। द
Baldwin. Okay guys, so we'll move on to our next performance. Thank you so much. भारत संस्कृति ही यहाँ की पहचान है। अलग-अलग राज्य होने के कारण अलग-अलग संस्कृति, विभिन्न जीवन शैली, यहाँ तक कि नृत्य का स्वरूप भी अलग है। पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, बंगाली, कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहला हमारा ये देश इंद्रधनुष के समान है। प्रस्तुत है भारतीय संस्कृति की इन्हीं अद्भुत विशिष्टताओं को लोक नृत्य द्वारा दर्शाता हमारा ये अगला कार्यक्रम।
I'm not afraid to die.
अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना, प्यार होता है प्यार ये children. At the same time, I would like to convey my sincere thanks to the principals, Baldwin groups of schools, the management, the directors, the teachers for inviting me in this wonderful gathering. At the same time, it's my pleasure to address this wonderful gathering. Today is a very special day for the school, as the school is celebrating annual day. Annual day is celebrated to acknowledge the growth and development of the school, to measure the achievements of the school in respect of students and teachers who work hard for the development of the society. So it is a very proud moment, and it is my privilege to have a glance on the very magnificent, beautiful cultural events performed by the very talented students of the school. Has started his journey in 1929 with 29 schools and 100 teachers only. This year we have completed 70 glorious years of its our existence, and now we have 22,000 schools.
affiliated with CBSE. And out of which 250 schools in abroad, Japan, UAE, Belgium, Netherlands, Finland, Ecuador, and so many countries. And the total volume of teachers is 11 lakh. So it is the journey of the CBSE that we have completed 70 of its glorious years. And now the volume of candidates studying in CBSE school is 2 crore. So this 2 crore is the population of the students studying in CBSE affiliated school across the globe. So it is more than the populations of individual countries like Netherlands, Finland, Ecuador, Netherlands, UAE, Austria, and so many other countries. So it is the great achievement of the CBSE. And now here in regional office Patna, we have 3.95 lakhs in 10 and 12 for these 2020 examinations. And 9 and 11, 4 lakhs students have been registered under Patna regions, having its jurisdiction Bihar and Jharkhand. So CBSE is the first board to promote innovative pedagogy and focuses on the use of active and experiential learning in the classroom activities that has been mandated by the board to promote critical thinking, creativity, effective study skill among the children. So CBSE provides a wide variety of platforms for our students to show their talent by participating themselves in the annual science exhibitions, art exhibitions, sports meets, storytelling competitions, mathematics Olympiad, expression series, and so many various online activities. There is a provision to show your talents. So CBSE is the only board to have introduced artificial intelligence as a subject in school curriculum. Emerge as a learner-centric and a progressive board. So CBSE is the only board to introduce physical and health education compulsory classes for 1 to 12. So CBSE has offered 213 subjects in academic as well as skill subjects in 10 and 12. CBSE does not mandate any stream system. So it is the parents, it is the learner to choose any subject combinations. So CBSE has introduced so many new subjects like multimedia and web technologies, fashion technology, graphic designing, and so many other subjects. So in this gathering, so I would like to say something about the aspiring students of class 10 and 12, those are going to appear 2020 examinations. So here is a message for those students appearing 10 and 12 for 2020 examinations. So first of all, you prepare yourself to give sufficient time for your study. You must follow a timetable. Say morning 2 hours, evening 3 hours. And follow the sample question paper that we have already uploaded in our CBSE website. So you follow the sample question paper. This year the question pattern has been changed by the board. So there will be the 20 multiple questions in each subject. So for 2020 examinations, there is a great change in the question paper pattern. So I request the school authorities to conduct the pre-board examination as per the new pattern of the CBSE, so that students should not get stressed. And
will be well acquainted with the new system of the CBSE. Now in this gathering, I would like to convey my best wishes to all the students who excel their education as well as sporting activities. At the same time, I would like to say to all the educators to continue to strive your contributions for the improvement of the academic excellency in the school as well as contribute to the development of the society. Thank you all. The euphonious mashup of evergreen, old and new songs. Thank you.
joy and happiness. There is an unspoken bond between a parent and a child, which is very tough to express in words. Please welcome the primary students of Baldwin who are here to express their love and admiration. Surely, they are going to win your heart after their heartwarming performance. ये कहानी दो ऐसे शख्स की है जिन्हें हम माँ और पिता कहते हैं। जब एक रोटी के चार टुकड़े हो और खाने वाले पांच, तब मुझे भूख नहीं है ऐसा कहने वाली व्यक्ति केवल माँ होती है। Encouragement, appreciation is a vital part of the same process. Keeping that in mind and establishing a sense of confidence and boost for our students, Baldwin Academy would like to award the students with the Baldwin Blues for their exceptionally brilliant academic career. The aim of the award is to ensure that students feel motivated to the next academic year. This isn't a race. It is an opportunity to showcase your hard work. A very hearty congratulations to all winners. I would request the presence of MLA Shri Ashok Kumar on the stage to award the students with their much deserving certificate.
We welcome you, sir, on the stage. Prove their excellence in academics by putting in their constant effort, and Baldwin feels proud to have them in its family. Now, I will announce the names of the students. As soon as your names are announced, students, you are requested to move towards the stage. Now, I proudly announce the name Phoolan Kumar from nursery. The names are from the Phoolan Kumari. Kumar has been written by Mr. Okay. Please, they truly deserve a big hand. Your loud claps will encourage them. So go on giving them big hand. Next is Vibha Kumari, LKG. Resham Jaffer, UKG. Followed by Aparna Sharma, grade 1, Sophia. Mayank Singh, grade 1, Academy. Jahani Ravish, grade 2, Sophia. Vaibhav Ranjan Singh, grade 2 from Academy. Shreya Shri from grade 3, Sophia. Parth Anand, grade 3 from Academy. Go on clapping, please encourage them, cheer them. They truly deserve a big hand. Must be present in the audience, so you should cheer them up with your loud claps. Because their constant effort have brought them here on the stage. Okay, next is Satakshi, grade 4, Sophia. Rahul Kumar, grade 4 from Academy. Rahul Kumar, grade 4 from Academy. Next is Arushi, grade 5 from Sophia. Arushi, is she present over here? I think she isn't present. Okay, we miss her presence. Then is Gaurav Kumar, grade 5 from Academy. Riya Singh from grade 6, Sophia. Abhishek Kumar, grade 6 from Academy. Kumari Shri from grade 7, Sophia. And Anushka Sharma from grade 7, Academy. Please cheer them up. Why are you stop clapping? Just cheer them up. They deserve. Thank you, sir, for doing the honors. More names to be announced. Komal from grade 8. Sophia. Shashank Kumar, grade 8 from Academy. Priya, grade 9. Priya Kumari from grade 10. Ankit Kumar from grade 11, Science. Supriya Mishra from grade 11, Commerce. Swati Rani from grade 11, Humanities.
Samriddhi Ambas, grade 12, science. Vibha Kumari, grade 12, commerce. Prerna Prajwal, grade 12, humanities. Are they all on the stage? Shall I? Is Prerna Prajwal over here? Okay. Krishna Kumar, grade 3, from Academy Wing. Madhav Shashank Sharma, from grade 3, Academy Wing. Mahi Kumari, grade 4, from Sophia Wing. Yes, by mistake I read out her name. She is for
Louder than words. Wonderful performance. Well done, friends. Absolutely well done. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है. अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना बहुत जरूरी है. हाँ, पर किस तरह का खेल? वो जो बाहर मैदान में खेलते हैं, जैसे लुका छिपी, गिल्ली डंडा, कबड्डी, या वो जो आजकल हम खेलना पसंद करते हैं, वीडियो गेम्स, मोबाइल पर फ्री फायर और पबजी? अरे अब बस भी करो, मम्मी ने सुन लिया तो मेरी खैर रही. चलिए तो देखते हैं ये मनोरंजक नृत्य और देखिए खेल और गाने का अद्भुत संगम. Thank you.
قدردانوں کی نہیں ہے کمی ہماری اس محفل میں قدردانوں کی نہیں ہے کمی قوال جب سر چھیڑتے ہیں تو جھوم اٹھتی ہے یہ محفل زمین آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں نغموں اور موسیقی کا وہ جلوہ جسے ہم قوالی کے نام سے جانتے ہیں Yeah.
and gentlemen, punctuality and regularity are major aspects of discipline. It is no secret that discipline is a necessity in all walks of life. It is a lifelong lesson. As a student once, a teacher and a parent now, I can vouch for the virtues of discipline. It makes this world a better place. It also makes every individual dependable and responsible. Baldwin Academy would like to honor those young minds who have had the best attendance in class throughout the year. Please welcome the students to the stage with a huge round of applause. I would like to invite Sri Rajesh Shetty, Deputy Secretary CBSE, to please come on the stage and give away the mementos. Audience, please give a huge round to me. I would like to call Madhav Sashank Sharma, Grade 3 Academy. Madhav Sashank Sharma, Grade 3 Academy. Mahi Kumar, Grade 4, Sophia. Mahi Kumari, Grade 4, Sophia. Pragya, Standard 4, Sophia. Pragya, Standard 4, Sophia. Choti Kumari, Standard 4, Academy. Choti Kumari, Standard 4, Academy. Jigyasha, Standard 5, Sophia. Gaurav Kumar, Standard 5, Academy. Ayush Ranjan, Standard 5, Academy. Siddhi Roy, Standard 7, Sophia. Siddhi Roy, Standard 7, Sophia. Avika Sinha, Standard 7, Sophia. Avika Sinha, Standard 7, Sophia. Simran Kumari, Standard 7, Academy. Simran Kumari, Standard 7, Academy. Anushka Sharma, Standard 7, Academy. Anushka Sharma, Standard 7, Academy. Audience, please give them a huge round of applause. Shubhra, Standard 8, Sophia. Now she is Siddhi Roy. Give her a big round of applause. Siddhi Roy from Sophia. Anjali Kumari, Standard 8, Academy. Anjali Kumari, Standard 8, Academy. Janvi Ravish has missed her Academic Brilliance Award as she was one of the participants. So we have called Janvi Ravish. Please come forward, Janvi Ravish, and please collect your Academic Brilliance Award. Come on, crowd. They all deserve. It's no means achievement to be present every day. Come on, huge round of applause for each one of them. Thank you, sir, for doing the honors. We are very, very honored. So, students with maximum attendance getting felicitations from Honorable Deputy Secretary CBSE, Patna Region. So, I will say that the next annual function will see many, many, many 100% attendance. I hope so. Is it not? Thank you. Hey, I think our audiences need a little lift up now. Exactly. What if we give them a bit of hip-hop, music and dance? The present era is an era of remake and remix, rapping, locking and popping. So here is our hip-hop group with their breakdancing, rapping and a lot of hip-hopping. It's time for super rocking, super cool, super uber hip-hop dance performance. Let's welcome the performers with a big round of applause and let them know how eagerly we are waiting for this one. Thank you.
Só que a profissão das minas é...
Singers will draw the strings of your heart, and their soothing voice will cherish your soul. Hey, hey, hey.
इनविटेशन कार्ड्स हैं। ओके, दैट्स नाइस। द नंबर टू
First number is 2. Check your cards, jinke bhi card ke piche number 2 likha hai, please come on the stage. Koi hai jiske card ke piche number 2 hai? Out of 4, this is the first number, number 2. Anybody having the card number 2, please come on the stage. Nahi hai. On their card. 0461 aa chuke hain stage pe. Aman Kumar standard 5th. 0461 ko jata hai hamara dusra bumper prize. Huge round of applause. हमारा तीसरा बम्पर प्राइस किसको जाएगा? 0560 किन्हीं के भी कार्ड पे ये नंबर है 0560 1564 1564
please check your cards. Kisi ke bhi card pe agar ye number hai 1564, please come on the stage. 1564. Kisi ke card pe ye number hai? One six eight zero 1680. Kisi ke card pe ye number hai 1680. Anybody jinke card pe ye number hai 1680 1680. किसी के भी कार्ड पे ये नंबर है? किसी के कार्ड पे नहीं है. 0310 0310. I repeat, 0310. किसी के भी कार्ड पे ये नंबर है तो प्लीज अपना हाथ ऊपर उठाएं ताकि मैं आपको देख सकूं. एनीबॉडी? 0310. Zero, two, four, zero, two, four, one. किसी के भी कार्ड पे ये नंबर है? Please check your cards. Okay, वहाँ है हमारा 0241. Huge round of applause. We have with us 0241. Sakshi Suman of Standard 7. Unka card number hai 0241. Huge round of applause for 0241. हमारे पास सारे टीचर्स के नाम इस बॉक्स में हैं. इसे शफल करने के बाद एक चिट जिनका निकलेगा. मिसेस वीना सिंह. वीना मैम, wherever you are, please come on the stage. Mrs. Veena Singh, huge round of applause. Mr. Sharafat Hussain. Very lucky day. He has left. Sharafat sir has left. Sharafat sir जो हैं वो जा चुके हैं लेकिन उनका gift रखा जाएगा. मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं Baldwin Academy के students के साथ हूँ. कहाँ है यार आपकी आवाज? मुझ तक पहुँचाओ. Parents जो जाने की तैयारी में हैं, please you just wait for 5 minutes. This is the end of the program. Grand finale is ready for you. So please watch this grand program created by our cultural team. Please give them a big round of applause for them. Just wait 5 minutes. That is the grand finale. Thank you.
एक और लकी ड्रॉ निकला है हमारे स्टाफ के लिए और इनका नाम है मिस्टर विभूति कुमार। मिस्टर विभूति कुमार, आप जहाँ भी हैं प्लीज स्टेज पे पहुँचें। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, आप लोग थोड़ी सी एनर्जी दिखा के फिर शाम। विभूति कुमार जी हमारे साथ स्टेज पे है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विभूति कुमार। इन्होंने जीता है हमारा लकी ड्रॉ जो कि था स्टाफ्स के लिए। नाउ इंटरनल सर्वे, द टीचर्स हु डिड अ लॉट गिव देयर 100% फॉर द सक्सेस ऑफ टुडेज कल्चरल इवनिंग 32nd एनुअल फंक्शन। मे आई नाउ हैव द प्रिविलेज टू ऑनर देम। मिसेज रीता चौरसिया and Mr. Rahul Kumar, please come on the stage. आपके डांस टीचर यहाँ स्टेज पे हैं। हार्ड वर्क, ऑडियंस इतनी शानदार है। Together everyone. There is a completion of every celebration, but we rely on the faith that there is never an end, but always a beginning, because the show must go on. An end is a commencement of somewhat new, something so worthy, something so inordinate. The beauty lies in relishing whatever we have in present and expecting the best out of future. On this note, we are moving further with the finale of this magnificent evening, our finale act. I would like to call upon our young anchor, Ronit Raj and Ankit Raj on the stage, please. Ma'am is handing over the bamboo plant to Ira Shri of Standard 2. Please give a big round of applause for her. So that it brings good luck in her life. La la la. Hey, wait, wait. Are you humming the famous Christmas carol Jingle Bells? Yes, you guessed right. Christmas is round the corner. Can you hear the jingling of bells? Of course. And you know, I can feel the smell of yummy cakes in the air. And what about our lovable father of Christmas? Are you not excited about getting gifts from him? Certainly, yes. I can feel he is somewhere around and I can't wait to get gifts from him. Let's not keep you waiting. Now welcome the performers on the floor who will make you lost in the heaven of Christmas feast. And rest is the surprise. Thank you.
bird machine. माँ ने कहा बेटा तू डॉक्टर बनना,
पापा ने कहा नहीं नहीं मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो इंजीनियर ही बनना टीचर सेड नो नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट सो यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और वो बच्चा बेचारा उस डॉक्टर इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर बनने की होड़ में जिंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से दूर हो गया और वो है टू बी हैप्पी खुश रहना सो टुडेज मैसेज ऑफ द इवेंट इज दैट जीवन में कुछ भी बनना बी हैप्पी फर्स्ट एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग नाउ इट्स जस्ट अ वोट ऑफ थैंक्स टू एवरीवन टाइम फॉर दैट सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल We deem it a great honor and privilege to stand before you to propose the words of gratitude for being with us today and making us feel proud and more than above your love for us. On the recollection of so many great favor and blessings, we know with a great sense of gratitude offer you our sincere thanks to Almighty First, the Creator and the Preserver. We wish to thank our guest, Mr. Jagdish Barmanji, Regional Officer, CBSE, for awakening the desires and wonders of young generation and sharpening the educational agenda. My deepest thanks to Professor Ras Bihari Prasad Singh Ji, Vice Chancellor, Patna University, for kindly accepting our invitation and presiding our event. Thank you, sir, for being with us today and for your valuable message to us. We extend our sincere thanks to Sri Jairam Sharma Ji, Director, Mayflower School, for giving your precious time to grace the occasion. My deepest thanks to Jitendra Singh Ganwar Ji, ADG of Police, Special Branch, Sri Rajesh Shetty Ji, Deputy Secretary, CBSE, Regional Office, Patna, Sri Ashok Kumar Ji, MLA, and all the dignitaries for their valuable thoughts and guidance. We are extremely thankful to our special invitees, principals of different schools, all the respected parents for your silent witness and a sense of appreciation. I extend my sincere thanks to our director sir and principal sir for you have always been with us with your strong support and guidance. With your trust and motivation, we have reached to this success, sir. With the great team spirit of our teachers and the enthusiastic students, without whom the event could not have even been imagined. So thank you, teachers and dear students. It is said, a key to achieving success is to assemble a strong and stable management team. Today, my words are not enough to express the gratitude to our young and vivacious administrators, Priyanka ma'am, Parshita ma'am, Rishabh sir, and Piyush sir, for your perfect logistic support you have extended to all of us in organizing the event and making it a grand success. With grateful hearts, we recollect the valuable service rendered by the non-teaching staffs and technicians, so thanks to all. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. So my warmest thanks to all our cultural group members, participants, volunteers and anchors for their wonderful efforts, creative ideas and innovations.
You all are the central focus of this event and we really wish you a great future. Once again, we renew our gratitude to all and spread the fragrance of love. Thank you. Now, I would like to request all of you to stand up as a mark of respect for the national anthem. This is the end of the program. Thanks a lot to all of you. Once again, thank you.